शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स इस फिल्म के बाद अब डीसी की द फ्लैश ये फिल्म आने वाली है। तो द फ्लैश इसी फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जिसे हॉलीवुड रिपोर्टर ने कंफर्म किया है, या फिर ऐसा कह लो कि द फ्लैश इस फिल्म को एक ऐसे बंदे ने प्रेज किया है जिसके बाद किसी भी रिव्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है। द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज ने द फ्लैश इस फिल्म को देख लिया है। सो अकॉर्डिंग टू द हॉलीवुड रिपोर्टर, टॉम क्रूज फरवरी में वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के सीईओ डेविड ज़ेसलेव से मिले थे, और इसी मीटिंग के दौरान डेविड ज़ेसलेव ने डीसी की अपकमिंग फिल्म द फ्लैश के बारे में बात की। जैसा कि हम सबको पता है कि द फ्लैश ये फिल्म डीसी के फ्यूचर को चेंज करने वाली है, या फिर कह लो कि द फ्लैश इस फिल्म की वजह से ही डीसीयू एक न्यू एरा में ट्रांजिशन करेगा। सो आई गेस ये बात टॉम क्रूज को भी पता चली ही होगी, जिसकी वजह से वो ईगरली इस फिल्म को देखना चाहते थे। और टॉम क्रूज बीइंग टॉम क्रूज, उन्हें जो भी चाहिए वो उन्हें हमेशा मिलता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। उस समय पे द फ्लैश इस फिल्म की जो कंप्लीटेड कॉपी थी उसे प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए टॉम क्रूज के घर पे भेजा गया। अब टॉम क्रूज हॉलीवुड के इतने पुराने फेमस और अमीर एक्टर है, तो आई गेस उनके घर पे एक प्राइवेट थिएटर तो होगा ही, राइट? तो फिर क्या, टॉम क्रूज ने ऑब्वियसली द फ्लैश इस फिल्म को देखा और उन्हें ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर एंडी मुस्चेटी को ही कॉल किया। एंड अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड रिपोर्टर, टॉम क्रूज ने ऐसा ही कुछ कहा कि इस फिल्म से हमें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ इस फिल्म में है, और अभी ऐसी ही किसी फिल्म की जरूरत हम सबको थी। अब जिस तरीके से टॉम क्रूज ने द फ्लैश इस फिल्म की तारीफ की है, उससे तो यही लग रहा है कि टॉम क्रूज भी डीसी यूनिवर्स के फैन है, या फिर कह लो सुपर हीरो मूवीज के फैन है। और अब जब द फ्लैश इस फिल्म की तारीफ एक ऐसे बंदे ने की है जिसने टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्म बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस फिल्म को किसी के भी रिव्यू की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी रिव्यू दूंगा, देखना जरूर। अब देखो, टॉम क्रूज ने इस फिल्म की तारीफ तो कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इनके ऐसा कहने की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। बस अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था द फ्लैश इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और अगर सच में ऐसा हुआ और द फ्लैश ये फिल्म उतनी अच्छी निकल के नहीं आई, तो उतना ही ज्यादा इस फिल्म को ट्रोल किया जाएगा। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि द फ्लैश इस फिल्म का ट्रेलर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस ट्रेलर ने हाइप भी बहुत क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। या तो ये फिल्म बहुत अच्छी निकल के आएगी, या फिर इसका हाल शज़ाम जैसा ही होगा। अब देखो, मैं यहाँ पे शज़ाम जैसा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ये खराब फिल्म है। एक्चुअली ये फिल्म डीसी की तरफ से आई हुई एक अच्छी फिल्म है, बस इस फिल्म को ऑडियंस से जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा। और अगर देखा जाए तो शज़ाम 2 के ट्रेलर ने भी बहुत हाइप बनाई थी, इसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन फिल्म देखने को ही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आई होप कि द फ्लैश इस फिल्म का हाल भी ऐसा ही ना हो, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि फ्लैश एक फेमस कैरेक्टर है, और फ्लैश के अलावा भी हमें इस फिल्म में और भी कई कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनका फैन बेस भी बहुत तगड़ा है। यानी अगर इस फिल्म की स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं भी हुई, या फिर ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं भी हुई, तो भी इस फिल्म में जिस तरीके के विजुअल्स और जो कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में दिखाए जाने वाले हैं, उनकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा ही कमाने वाली है। जो भी है, वैसे टॉम क्रूज की वजह से मेरे इस फिल्म के लिए एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन क्या आप लोग भी द फ्लैश इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे रोज आते हैं। और हाँ, मैंने शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स दोनों को ही एक्सप्लेन किया है, सो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो देखना, और अगर आप लोगों को शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रिव्यू देखना है तो नीचे वाली वीडियो देखना। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।